आज हम कक्षा 12वीं में इतिहास के अंतर्गत यात्रियों के नजरिए मतलब समाज के बारे में उनकी समझ के बारे में पढ़ेंगे। फिर है अल बिरूनी किताब उल हिंद, मतलब सबसे पहले हम इस लेखक के बारे में पढ़ेंगे या यात्री जो आए थे यहाँ पर उसके बारे में। ये एक फारिंद से पंजाब तक, अल बिरूनी का जन्म जो है आधुनिक उज्बेकिस्तान के स्थान पर खारिज में सन 973 में हुआ था। फिर ख्वारिज में जो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था वहाँ पर अल बिरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी और कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। सीरियाई, फारसी, इब्रू तथा संस्कृत भी शामिल था। हालांकि ये यूनानी भाषा के जानकार नहीं था, फिर भी वह प्लेटो और यूनानी दार्शनिकों के कार्य के पूरी तरह से परिचित था। उन्होंने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा और साथ ही साथ 1017 ईस्वी में ख्वारिज पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद यहाँ के कई विद्वानों एवं कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गए थे, जिसमें अल बिरूनी भी उसमें से एक था। वह बंधक के रूप में गजनी आया था, पर धीरे धीरे वह शहर में पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु से अपनी मृत्यु तक उसने अपना बाकी जीवन जो है यहीं बिताया। फिर दूसरा है इब्न बतूता, जो कि एक आरंभिक, ये भी एक यात्री ही था। इब्न बतूता द्वारा ही अरबी भाषा में लिखा गया है उसकी यात्रा वृत्तांत, जिसमें रहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां देता है। साथ ही साथ ये मोरक्को के इस यात्री का जन्म जो है तंजीर सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक था, जो इस्लामी कानून तथा शरिया पर अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध था। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता कम उम्र में ही साहित्यिक और शास्त्रपूर्ण शिक्षा हासिल कर ली थी, और ये अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता जो है पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं को अर्जित अनुभव की को ज्ञान व अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था, क्योंकि यात्राओं के माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह की संस्कृति है, समाज है, लोग कैसे रहते हैं, वह सारी जानकारी हम इकट्ठा कर सकते हैं। उसे यात्राएं करने का बहुत शौक था। वह नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक गया, और भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्राएं और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान और पूर्वी अफ्रीका के तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्राएं कर चुका था। फिर मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता जो है 1133 में मध्य मार्ग से सिंध पहुंचा और दिल्ली के सुल्तान बिन तुगलक के बारे में सुना था, और कला और साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में उन्हें ख्याति से आकर्षित हो बतूता ने मुल्तान और कच्छ के रास्ते होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, जिसमें सुल्तान अपनी विद्वता से प्रभावित होकर उन्हें अपने राज्य में ही रख लिया था। फिर उनकी किताब उल हिंद है, अरबी में लिखी हुई अल बिरूनी की कृति किताब सरल और स्पष्ट में लिखा हुआ है। यह विस्तृत ग्रंथ है जिसमें धर्म के बारे में, खगोल विज्ञान, कौमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल, माप विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि के विषय में इन्होंने 80 अध्यायों में विभाजित किया है। एक बार फिर वह मालाबार तट और मालदीप गया, और चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वह बंगाल तथा असम भी गया। वह जहाज से सुमात्रा गया और सुमात्रा से एक अन्य जहाज से चीनी बंदरगाह नगर जैतू, जो कि क्वांजू के नाम से जाना जाता है, वहाँ गए। उसने व्यापक रूप से चीन में यात्रा की और बीजिंग तक गया, लेकिन लंबे समय तक नहीं ठहरा। वह 1347 में अपने वापस आने घर जाने का निश्चय किया, और चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत तक वेनिस में चलकर चीन की यात्रा की, यह वृत्तांत उन्होंने लिखा है। फिर जिज्ञासाओं का उपभोग, मतलब हम जब यात्रा करते हैं या कहीं जाते हैं तो हमारे मन में कई तरह की जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, तो उन जिज्ञासाओं का उपभोग भी हम करते हैं। जैसा कि हमने देखा, इब्न बतूता एक हठीला यात्री था जिसने उत्तर पश्चिम अफ्रीका से अपने निवास स्थान मोरक्को वापस जाने के पूर्व कई वर्ष उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया कुछ भाग में वह भारतीय महाद्वीप तक चीन की यात्रा की। जब तक वह वापस आया तो स्थानीय शासक के निर्देश दिए गए कि उनकी कहानियों को दर्ज किया जाए। मतलब जब ये लौट कर गए तो जो स्थानीय शासक था उन्होंने कहा कि इनकी यात्रा की जो कहानियाँ हैं, जो इन्होंने लिखा है, उसे एक कहानी के रूप में दर्ज किया जाए। फिर है इब्न बतूता के पद चिन्हों पर। 1400 ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच भारत आए यात्रियों के फारसी में कई यात्राएं वृत्तांत लिखी। उसी समय भारत के मध्य एशिया, ईरान, ऑटोमन साम्राज्य की यात्रा करने वालों ने भी कभी कभी अपने अनुभव लिखे।
इन लेखों ने अलबरूनी इब्न बतूता के पश्चिमों का अनुसरण किया और कुछ ने पूर्ववर्ती लेखनों को भी पढ़ा, मतलब जो पूर्व में यात्री आ चुके थे उनके लेखकों को भी उन्हें पढ़ा। और साथ ही साथ सबसे प्रसिद्ध लेखक अब्दुल रज्जाक सामंत, जिसने की 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की थी, और महमूद बलकुत ने भी 1620 के दशक में व्यापक रूप से यात्राएं की थी। इस तरह से बहुत सारे यात्री जो हैं एक देश से दूसरी जगह जाते थे और अपने जो कहानियां होती थी वे सारी लिख कर देते थे, बताते थे। फिर बल्खी ने भी कुछ समय सन्यासी भी बन गया था और अन्य देशों में आज भारत निराश हुए, साथ ही साथ घृणा भी करने लगे थे और भारत अपने लिए एक उत्सवीय स्वागत की आशा कर रहे थे, जिसमें कि अधिकांश भारत में अचंभों के रूप में देखा था। फिर फ्रांसवा वार्डियर एक विशिष्ट चिकित्सक के रूप में थे, ये भी एक विदेशी यात्री हैं। ये लगभग 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात उनसे ही कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत वृत्तांत लिखे। उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों और जेसन रॉबर्टो नोवेली ने भी भारतीय ग्रंथों के यूरोपीय भाषा में अनुवादित किया। साथ ही साथ सबसे प्रसिद्ध लेखक एक नाम दुआर्ते परसपोसा भी था, जो दक्षिण भारतीय व्यापार और समाज के एक विस्तृत विवरण लिखा। कालांतर में 1600 ईस्वी के बाद भारत में आने वाले डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी, और एक प्रसिद्ध नाम फ्रांसीसी जौहरी भी था जो वेस्टिफ्स तेवरियन का था। कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की और वह विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थिति से बहुत प्रभावित हुआ, और उसने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की। कई यात्री जैसे इतालवी चिकित्सक मनु कभी यूरोप वापस नहीं गए और भारत में ही बस गए। इस तरह से बहुत से यात्री आए जो कई लोग भारत में बसने की भी सोचने लगे थे और कई लोग वापस भी चले गए थे। फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा वार्डियर एक चिकित्सक राजनीतिक भी था, साथ ही साथ वह पूर्व और पश्चिम की तुलना भी करते थे। वार्डियर ने देश के कई भागों की यात्रा की, जो देखा उसके विषय में वे विवरण लिखे। वह सामान्यतः भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था, क्योंकि वह यूरोप से ही आया हुआ था। उसने अब एक प्रमुख कृति फ्रांस के शासक लुई 14वें की समर्पित किया, और उसके कई अन्य कार्य जो थे प्रभावशाली अधिकारियों मंत्रियों को पत्रों के रूप में लिखे गए थे, जो प्रत्येक दृष्टांत वर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया। जैसा कि हम देखेंगे उसका आकलन हमेशा सटीक नहीं था, फिर भी उसके कार्य जो प्रकाशित हुए तो वर्नियर के वृत्तांत अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। फिर भारत के विषय में विचारों का निर्माण व प्रसार। भारत के विषय में विचारों का सृजन और प्रसार यूरोपीय यात्रियों के वृत्तांतों और उनकी पुस्तकों के प्रसार प्रकाशन प्रचार और माध्यम से यूरोपीय लोगों के लिए भारत की एक छवि सृजन में सहायता की। बाद में 1750 के बाद शेख इत्युमुद्दीन और मिर्जा अबू तालिब जैसे भारतीयों ने यूरोप की यात्रा की, तो उन्हें यूरोपीय लोगों की भारतीय समाज की छवि का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने तथ्यों को अपनी अलग व्याख्या के माध्यम से इसे प्रभावित करने का प्रयास किया, क्योंकि उन्होंने जो देखा था वही उन्होंने लिखा था। इस वजह से जो यहाँ से भारतीय लोग जो यूरोप गए थे उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिर एक अपरिचित संसार की समझ अलबरूनी और एक संस्कृतिवादी परंपरा हुआ, मतलब एक अपरिचित संसार के बारे में जो उन्होंने लिखा उसी को हमने माना। तो इस तरह से समझने के लिए जो बाधाएं और उन पर विजय प्राप्त कैसे किया जा सके, जैसा कि हमने देखा है कि यात्रियों ने उपमहाद्वीप में जो भी देखा सामान्यतः उसकी तुलना उन्होंने उन प्रथाओं से की जो परिचित थे। प्रत्येक यात्री ने देखा उसे समझने के लिए एक अलग विधि अपनाई। उदाहरण के लिए अलबरूनी ने अपनी एक निर्धारित उद्देश्य निहित समस्याओं से परिचित था और कई अवरोधों की चर्चा की है। उनके अनुसार समझ से बाधक और पहला अवरोध भाषा था, फिर उसके अनुसार दूसरी थी संस्कृत, अरबी फारसी में इतनी निम्न थी, उसके बाद फिर विचारों और एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित करना आसान नहीं था, मतलब यहाँ की भाषा जो थी संस्कृत थी, फारसी थी, उर्दू थी। अब इसको समझना और उसको अनुवादित करना उतना आसान था नहीं उस समय। उसके द्वारा चिन्हित दूसरा अवरोध था धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता, मतलब जब वह वहाँ से आए थे तो उनकी वहाँ की धार्मिक अवस्था और प्रथा अलग थी, यहाँ की धार्मिक प्रथा और अवस्था अलग थी। फिर तीसरा अवरोध अभिमान था। यहाँ की रोचक बात यह थी कि समस्याओं की जानकारी होने पर भी अलबरूनी लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित रहा। उसने भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों पुराणों भगवद्गीता और पतंजलि की कृतियों द्वारा मनुस्मृति आदि को अंश उद्धृत किए। इसलिए ब्राह्मणों और रचित कृतियों पर आश्रित रहा क्योंकि दूसरे समाज की और दूसरे लोगों की जो है रचित कुछ भी चीज जो है उनको संरक्षण में मिला ही नहीं। फिर है अलबरूनी का जाति व्यवस्था का विवरण।
उन्होंने तो यहाँ पर जाति व्यवस्था देखी, उसका विवरण भी उन्होंने अपनी यात्रा लौटने के बाद लिखी। उन्होंने अन्य समुदाय प्रतिरूपों खोज माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने के लिए व्याख्या करने का प्रयास किया। उसने लिखा है कि प्राचीन फारस में चार सामाजिक वर्गों को मान्यता थी, घुड़सवार और शासक वर्ग, भिक्षु, अनुष्ठाधिक पुरोहित, चिकित्सक, खगोल शास्त्रीय और अन्य वैज्ञानिक, और अंत में कृषक तथा शिल्पकार। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं था। इसके साथ ही उन्हें दर्शाया कि इस्लाम के सभी लोगों को समान माना जाता था और भिन्नताएं केवल धार्मिकता के ही पालन में ही थी। जैसा हमने देखा है कि जाति व्यवस्था विषय में अल्बरूनी का विवरण जो है उसे नियामक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पूरी तरह से गहनता से प्रभावित था। इस ग्रंथों में ब्राह्मणों का दृष्टिकोण जाति व्यवस्था को संचालित करने के लिए अनेक नियमों का प्रतिपादन किया था, लेकिन वास्तविक जीवन में यह व्यवस्था इतनी कड़ी नहीं थी। उदाहरण के लिए अत्यंत शाब्दिक रूप से व्यवस्था से परे नामक श्रेणियों में समानता यह अपेक्षा की जाती थी कि वे किसानों और जमींदारों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध करें, और दूसरे शब्दों में अक्सर सामाजिक प्रताड़ना का शिकार वे ही होते थे और उसके साथ साथ आर्थिक तंत्र में भी शामिल किया जाता था। फिर इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा, मतलब हम जब कहीं जाते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जानने की इच्छा एकदम प्रबल होती है और उसे हम जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है, लोग मना करते हैं तो हम वहीं जाकर उसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर है क्या। 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता दिल्ली आया था। उस समय तक वह पूरा उपमहाद्वीप ऐसे वैश्विक संसार तंत्र का हिस्सा